नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड लेना है प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि फ्राइडे को एक ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली एंड मार्केट पर हम लोगों ने देखा था कि बैंक निफ्टी पे थाउजेंड प्लस पॉइंट्स का एक फॉल हमें देखने को मिला था सो क्या ये जो प्रॉफिट बुकिंग थी क्या ये कंटिन्यू रहेगी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है ये सारी चीज़ें पता करेंगे प्लस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड लेना है एंड मंडे को मार्केट किस तरीके से रह सकती है गाइस उससे पहले आप लोगों ने अगर हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं कर रखा तो आप जाके कर सकते हैं पांच स्टॉक्स जो मैं यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पे बताता हूँ प्लस एक्स्ट्रा टू स्टॉक्स मैं इंस्टाग्राम पे भी डेली अपलोड करता हूँ और वहाँ पे मैं अपने प्रॉफिट्स भी शेयर करता हूँ ट्रेडिंग सेटअप्स भी शेयर करता हूँ जहाँ पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है सो so, इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है आप जाके डेफिनेटली ज्वाइन करिए आपको यूज़फुल इंफॉमेशन डेफिनेटली प्रोवाइड होगी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टॉक जो मेरे पास है जो मैंने खुद फ्राइडे को बाय कर रखा है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं बाय कर रखा था फ्राइडे को अराउंड मैंने ऑप्शन बाय करी हुई है ठीक है सो राइट नाउ इस पर्टिकुलर प्राइस को अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन को अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से इसमें मूवमेंट आ रही है हम लोगों को लग रहा है कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर सकता है एंड उसका ब्रेकआउट दे सकता है आप देखिएगा कि एक अपमूव उसके बाद एक फ्लैग पैटर्न था उस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट एंड इट गेव अ रीटेस्ट एंड एक अपमूव ठीक है उसके बाद आप देख सकते हैं ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न फॉर्म कर रहा है एट दिस पॉइंट आप देख सकते हैं इस लेवल से ये रिट्रेस करा था एंड इस लेवल पर हॉल्ट करके इसने एक अपमूव दी थी एंड इसी लेवल पे दो इन डिसाइसिव कैंडल बना के एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपमूव दी है लास्ट आर के अंदर जहां पर हमने सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखा था मार्केट के अंदर बट ये रिकवर करा था सो so, अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं अगर ये इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर राइट नाउ स्टॉक इज ट्रेडिंग एट वन अगर ये फाइव फाइव एट फाइव के ऊपर भी जाता है यू कैन गो फॉर अ अंक ये फिफ्टी सिक्स हंड्रेड को भी क्रॉस कर देगा एंड फिफ्टी सिक्स फिफ्टी तक भी जा सकता है सो प्लीज वॉच दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड इस पे जो रिजल्ट है वो भी अच्छा आया है तो ये स्टॉक डेफिनेटली अप मूव दे सकता है नेक्स्ट स्टॉक इज टीसी टीसीएस पे भी बाय करने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है अकॉर्डिंग टू प्राइज एक्शन लेट मी शो यू ऑन अ डेली टाइम फ्रेम यस एक डेली टाइम फ्रेम पे जिस तरीके से आपको दिख रहा है कि एक शार्प अप मूव हमें देखने को मिल रही है फर्स्ट यू कैन सी एक अप मूव फिर हॉल्ट करता है हॉल्ट करने के बाद जैसे अपनी प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है फिर एक अप मूव आती है सिमिलरली यहाँ पर भी एक अप मूव आई हॉल्ट करा ये वाली कैंडल ये वाली ग्रीन कलर की कैंडल अगर आप लोगों को विजिबल होगी इस ग्रीन कलर की कैंडल जैसे अपनी प्रीवियस कैंडल को ब्रेक करा हमें एक शार्प अप मूव देखने को मिली है ठीक है सिमिलरली अब आप देख सकते हैं एक अप मूव आई हॉल्ट करा ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे से रिकवर हो रही है अगर ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है सो so डेफिनेटली एक बाइंग हमें देखने को मिल सकती है अगर मैं अर्ली चार्ट पे आपको लेकर चलता हूं तो अर्ली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि राइट नाउ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट थर्टी टू नाइनटी वन ठीक है बट अगर ये इस लेवल को ब्रेक करती है दैट लेवल इस थर्टी थ्री हंड्रेड एंड ट्वेल्व को जो कि हायर चांसेस है कि अगर ये कल करती है दिस लेवल को अगर ये ब्रेक करके जाती है डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ बाय एंड आई थिंक ये ट्वेंटी से थर्टी पॉइंट्स आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करा सकता है सो बट ब्रेकआउट होने का वेट करना उससे पहले आप लोग बाय इनिशिएट मत करना नेक्स्ट स्टॉक इज इन्फोसिस इन्फोसिस पे भी बाय करने की आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है लेट मी शो यू न डेली टाइम फ्रेम देखिए यहां पर क्या था कि सिमिलरली एक टाइप ऑफ सिचुएशन थी एक ब्रेकआउट था ब्रेकआउट देने के बाद ये गैप अप ओपन हमें देखने को मिला था गैप अप ओपन होने के बाद व्हाट वी सीन कि नीचे आया अपने गैप को फिल करा जिस लेवल से ब्रेकआउट आया तो उस लेवल को फिल करा एक अपमूव आई है अपमूव आने के बाद हम लोगों ने इसमें गैप डाउन ओपनिंग देखी थी देखिए आपको समझना पड़ेगा कि ये प्राइस आपको बताना क्या चाह रहा है हम लोगों ने देखा था कि मार्केट पर एक फॉल आया था जब मार्केट खुली थी तब ज़्यादा फॉल नहीं था जब मार्केट खुली थी तब ज्यादा फॉल नहीं था जब स्टार्ट हुई तो फॉल कंटिन्यू हुआ बट अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो इस लो पे खुला था एग्जैक्ट लो पे खुल के ये ऊपर ही गया है ठीक है मार्केट नीचे आ रही थी बट ये पर्टिकुलर स्टॉक रिकवर कर रहा था सो आई थिंक यहां पर अभी बायर्स हैं स्टेबल है सो so, यहां पर एक बाइंग सेटअप जनरेट हो सकता है राइट नाउ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1340 आप अगर 1343 1344 के ऊपर निकलता है यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक ओके नेक्स्ट स्टॉक इज भारत फोर्च भारत फोर्ज के अंदर भी आप लोग एक बाय सेटअप जनरेट कर सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि यहां पर एक बाइंग बन सकती है एज यू कैन सी एक अपमूव एक रिट्रेसमेंट फिर एक अपमूव कंटिन्यू हो रही है अगर ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है दैट इज दिस रेंज तो एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है राइट नाउ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 629.40 अगर ये 632 के ऊपर जाता है यू कैन गो फॉर अ बाय एंड आई थिंक ये अच्छे लेवल से आप लोगों को प्रोवाइड करा सकता है ठीक है और लास्ट स्टॉक इज ओरिएंटल बैल ओरिएंटल बैल को मैं आपको दिखाता हूं या yeah. इन बेल पे अगर आप चेक करेंगे देखिए ये मैंने पर्टिकुलर स्टॉक अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी अपलोड करा था ऑन फ्राइडे के ट्रेड सेटअप पे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था एक ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला था एंड आई थिंक ये कंटिन्यू कर सकता है एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आप देख सकते अपमूफ एंड रेंज के अंदर था इसका एक ब्रेकआउट दिया आई थिंक इट कैन ये ज्यादा मूव दे सकता है बट आपको तो थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा बिकॉज अगर आप विक को टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है बट अगर ये कल के दिन और सस्टेन कर जाता है उन्हें हायर लेवल्स अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली कैन गिव अ वेरी गुड मूवमेंट सो इस पर्टिकुलर स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड करके रखेगा दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट राइट नाउ टू अगर ये टू के ऊपर जाता है यू कैन गो फॉर अ बाय ओके सो बात करते हैं अब निफ्टी बैंक निफ्टी की फ्टी बैंक निफ्टी पे लेट मी शो यू ऑन फिफ्टीन मिनट्स टाइम फ्रेम फर्स्ट या फिफ्टीन मिनिट्स टाइम फ्रेम अगर आप यहां चेक करेंगे जिस लेवल से हम लोगों ने एक रैली देखी थी एग्जैक्ट इस लेवल से एक रैली स्टार्ट हुई थी ठीक है

सो so, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको ये गैप दिख रहा है सो पर्टिकुलर स्टॉक अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक राइट नाउ ट्रेडिंग एट इंडेक्स सॉरी फोर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अगर ये 14,330 को ब्रेक करता है तो हम लोग यहां पर एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और मैं आप लोगों को टारगेट्स बता देता हूं दैट टारगेट इज 1403 हंड्रेड uh, एंड 14, है सो so, अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक ब्रेक करता है यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ बाय देखिए लेट मी शो यू आप यहां देखेगा दिस पर्टिकुलर पॉइंट को देखेगा यहां पर अगर इस लाइन के नीचे अगर ये आता है तो हम लोग एक शॉर्ट इनिशिएट करेंगे वाई बिकॉज जब ये गैप ऑफ ओपन दिया गैप ऑफ ओपनिंग होने के बाद एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे इसने रीटेस्ट करा है एंड यहां पर भी इसी पॉइंट पे क्लोजिंग दिया है so, सो अगर इस लाइन को ब्रेक करता है आप अपने चार्ट्स पे भी बना सकते हैं कि अगर आप मार्केट पे एंटर करेंगे तो आप क्लियर देखकर ट्रेड ले पाएंगे अगर इसको एक कैंडल के साथ ब्रेक करता है ध्यान रखना कि कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है होना फिफ्टीन मिनट्स टाइम फ्रेम देन यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट फॉर अ टारगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेवल एंड दिस पर्टिकुलर लेवल ओके फोटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फोर्टीन थाउजेंड टू सेवेंटी के लेवल के लिए आप इस इंडेक्स को शॉर्ट कर सकते हैं बट आई थिंक कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स रिकवर कर सकता है ठीक है बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि ज्यादा फॉल इस लेवल से नहीं करेगा ठीक है इसको भी मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूं या अगर आप चेक करेंगे कि देखिए एक शाब अपमूफ एंड एक फॉल एंड फॉल पे एक्ट सिक्स वन एट परसेंट रिप्लेसमेंट जो मैंने आपको बताया था कि गोल्डन रिप्लेसमेंट रेशियो होता है एक्जैक्ट उस पॉइंट से ऊपर गया अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कराए नीचे आ गया है ठीक है बट अपने प्रीवियसिंग लोग क्लोज कर चुका है अब यहां पर कोई गैप नहीं है जिसको फिल करना है राइट नाउट स्टेबल एट 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 सिक्स परसेंट रिप्लेसमेंट लेवल ओके सो अगर इस लेवल से बाउंस करता है डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ बाय बट हम लोग बाय के लिए कब जाएंगे एंड सिल के लिए कब जाएंगे तो लेटमी शो यू अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है दैट इज थर्टी वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी अगर थर्टी वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी के नीचे एक पंद्रह मिनट की कैंडल क्लोज करती है देन द आ टारगेट शुड बी थर्टी थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सिक्सटी ठीक है बट अगर ये थर्टी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी के ऊपर जब ब्रेक करता है और एक कैंडल की क्लोजिंग मिलती है देन आई थिंक द टारगेट शुड बी थर्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी ओके okay? सो so, इस लेवल्स को वॉच करिएगा इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा रेंज भी मैं बता देता हूं जो बॉटम में है दैट इज थर्टी वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी एंड थर्टी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी इस दो सौ रुपए के रेंज के अंदर मैं कोई ट्रेड नहीं करना अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है देन वी गो फॉर अ बाय अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन देता है देन वी गो फॉर अ सेल ओके सो गाइज प्लीज डू फॉलो आर इंस्टाग्राम चैनल एज वेल अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड गिव्स अ थम्स अप एज वेल सो गाइज़ गुड बाय हम लोग कल मिलते हैं और मैं एक कल एक बहुत अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है मैंने उसे आपको अभी डाउनलोड करा कि ऐप ऊपर है इट्स नॉट अ पेड ऐप जो मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ उसके ऊपर बट डेफिनेटली मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहिए आई थिंक अगर ये सक्सेसफुल होता है प्रोजेक्ट तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ये ठीक है और आपके 24 घंटे में से सिर्फ पाँच सेकेंड आपको चाहिए तो गाइज़ इसकी वीडियो मैं कल डेफिनेटली लेकर आऊंगा हम लोग मिलते हैं कल गुड नाइट गाइज़